हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कृष्णा। आज हम बात करेंगे फिनिफ्टी कल किस अकॉर्डिंग मोमेंटम दे सकता है। तो कल फिनिफ्टी की एक्सपायरी है, तो कल उसके अकॉर्डिंग काफी वोलेटाइल दे सकता है मार्केट। यहाँ पे आज देखो क्या हुआ ना, ये गैप अप हुआ ना, उसके बाद में मार्केट मतलब एक छोटी रेंज के अंदर ही रह गया मतलब। और जो बंद हुआ है ना, वो जो ओपन प्राइस हुई थी उसी के आसपास इसने क्लोजिंग दी है यहाँ पे। तो ना बुल्स ने ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा पाया उसके बाद में, क्योंकि इतना गैप अप के बाद में बुल्स ने भी स्ट्रेंथ नहीं दिखा पाए। और ये मोमेंटम कहाँ से आया, यहाँ से 19,130 के आसपास मोमेंटम आया है, कि 19,615 तक का यहाँ पे मोमेंटम देखे गया है। तो जो 500-600 पॉइंट का यहाँ पे मोमेंटम बना है, तो इसके बाद कहीं ना कहीं हो सकता है प्रॉफिट बुकिंग वापस आ सकती है। अगर कल वापस ये लो ब्रेक करता है आज का 19,480 के आसपास से, यहाँ पे नीचे सस्टेन करता है 5 मिनट, तो फिर चांसेस है कि एक बार ये यहाँ के इस जगह के आसपास तक आ सकता है। ठीक है, तो ये गैप को फिल कर सकता है यहाँ पे। ये नॉर्मली होता है कि जब भी इस तरह से बनता है तो कहीं ना कहीं बार बार आपस से गैप फिल करने जाता है, अगर वो चाहे से ब्रेकआउट में हो या ब्रेकडाउन में हो, दोनों तरफ में कंडीशन में बनता है। अभी नहीं आएगा तो कहीं ना कहीं वापस आने के बाद में होगा, 1-2 दिन बाद आने के चांस रहेंगे, तो प्रोबेबिलिटी होती है कि आता है इस तरीके से। ठीक है, इस लो को हमेशा ध्यान रखना है यहाँ पे, जब भी 2-3 दिन में कभी ब्रेक होता है यहाँ पे। अब छोटे टाइम फ्रेम पे देखते हैं क्या कंडीशन लग रही है, तो वो लेवल्स निकालते हैं। अब इसमें लेवल्स में ज्यादा कुछ ऐसे यहाँ पे स्थिति नहीं, क्योंकि ये देखो एक बॉक्स के रेंज में यहाँ पे फंसा हुआ है। ऊपर की तरफ यहाँ पे इसमें ऑल टाइम हाई का लेवल है, यहाँ पे जो मार्केट में यहाँ पे ऑल टाइम हाई के बिल्कुल पास है। अगर ये अपसाइड में अगर इसी रेंज में घूमता है यहाँ पे दिन भर में, तो इसी के बीच में यहाँ पे ऊपर की तरफ यहाँ पे हमें एक बार चाहे तो फिर भी पुट के लिए प्लान कर सकते हैं इस जगह पर। पर ऐसे इसमें छोटे रखना है यहाँ पे, अगर बाय चांस निकल जाता है मोमेंटम देता है तो फिर हम यहाँ पे रिवर्सल ट्रेड उसमें उसके अकॉर्डिंग प्लान कर लेंगे, क्योंकि जब तक रेंज में यहाँ पे है तो मोमेंटम उस अकॉर्डिंग दे सकता है। यहाँ पे हमें एक बेस मिलेगा यहाँ पे, सबसे पहले इस बेस के यहाँ पे एक कॉल का प्लान कर सकते हैं कंडीशन देख के, अगर प्राइस एक्शन बनता है तो। अगर ये लेवल ब्रेक होता है तो फिर यहाँ पे टारगेट आ सकते हैं 19,385-380 तक के आराम से टारगेट ये बना सकता है धीरे करके। ठीक है, और कल तो फिर वापस ऐसे भी एक्सपायरी है, तो मोमेंटम एक तरफ आएगा जब भी सेल से यहाँ पे निकलेगा, और काफी अच्छा मोमेंटम उस टाइम दे सकेगा। तो इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करें, ज्यादा कुछ इसमें कुछ है नहीं यहाँ पे। इसको लेवल को जहाँ भी ब्रेक हुए उस अकॉर्डिंग मोमेंटम के अकॉर्डिंग ट्रेड प्लान करें यहाँ पे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।